हेलो गैस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्या कैनन 1100D आपके लिए लेना सही रहेगा 2020 और 2021 में, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी ऑलरेडी नवंबर ख़त्म होने वाला है। तो यार, एक महीने बाद नया साल 2021 स्टार्ट हो जाएगा, तो हम बात करते हैं क्या 2021 में भी ये कैमरा आपके लिए लेना सही रहेगा या नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये कैमरा 1855 वाले किट लेंस के साथ है, और ये आपका माइक्रो मोटर वाला पुराना किट लेंस है कैनन का। इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन है, आप देख सकते हैं, तो उससे आपको 4 स्टॉप इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको स्टडी शॉट लेने के लिए 1/100 की शटर स्पीड चाहिए होती थी, तो आप 1/25 की शटर स्पीड से भी एक काफ़ी अच्छा शार्प फोटो ले सकते हो गैस। लेकिन ऑफ कोर्स ये कैमरा क्योंकि पुराना वाला मोटर यूज़ करता है, तो जब ये फोकसिंग करेगा तो काफ़ी आवाज़ करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके की आवाज़ करता है। अभी मैंने इसको मैनुअल फोकस पे डाला हुआ है, तो मैं इसको ऑटो फोकस पे करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी आवाज़ कर रहा है ये, और गोल गोल घूम भी रहा है। तो जो STM वाले और USM वाले हैं वो बहुत कम आवाज़ करते हैं, तो अगर आप वीडियो मेकिंग करना चाहते हैं तो वो बेहतर आपके लिए रहेंगे, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। एक बार मैं कैमरे को आपको बैक साइड और साइड से दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो पीछे से अगर आप देखें तो इसमें बहुत कम बटन है, ये इसकी मुझे बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज़ कैमरा है। आपको बहुत ज़्यादा सेटिंग्स वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्टली जो जो सेटिंग आपको फोटोग्राफी लेने के लिए चेंज करनी है, वो आपको ये जो सब बटन दिए हुए हैं इनसे आपकी हो जाती है। आपको ISO कंट्रोल करना है, आपको ऑटो फोकस मोड चेंज करने हैं, या आपको वाइट बैलेंस चेंज करना है, मेन्यू में आपको जाना है, आपको एपर्चर चेंज करना है, या आपको एक्सपोजर कंपनसेशन चेंज करना है, सब कुछ यहाँ से इजीली हो जाता है। आप ये वाला बटन जब प्रेस करते हैं, ये वाला Q वाला बटन, जैसे नाइकॉन में आप I वाला बटन प्रेस करके ये सेटिंग्स चेंज करते हैं, तो ऐसे ही इसमें आप इस वाले बटन से सब सेटिंग इजीली चेंज कर सकते हैं इसको दबा के। और फिर ये आपके बटन दिए हुए, इनसे आप ऊपर नीचे जाके डिफरेंट चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी टू यूज़ कैमरा है। तो अगर आप एक बिगनर है, अगर आपने कभी फोटोग्राफी नहीं की और आपके हाथ में ये कैमरा आता है, तो आप बहुत जल्दी इसको यूज़ करना सीख जाएंगे गाइस। अब साइड की बात करते हैं, तो साइड में इधर पे इन्होंने HDMI पोर्ट दिया हुआ है, कि अगर आप इसको एक्सटर्नल मॉनिटर में लगाना चाहते हैं, और ये आपका USB पोर्ट है अगर आप इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं इमेज ट्रांसफ़र के लिए, या कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसके लिए। और इसमें माइक इनपुट नहीं है, तो आप कोई भी एक्सटर्नल माइक इसमें नहीं लगा सकते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं कि ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, 2011 में आया था, तो ऑलमोस्ट 9 साल पुराना हो चुका है। 12 मेगापिक्सल आज की तारीख में भी मोर देन एनफ है। इसका ISO 100 से लेके 6400 तक जाता है, जो कि ये काफ़ी अच्छी रेंज है। मैंने इसको घर के अंदर लो लाइट में भी इससे फ़ोटो शूट किए हैं, तो ये काफ़ी ठीक ठाक फ़ोटो ले लेता है। हाँ कि उसमें कुछ ग्रेन्स रहते हैं, बट आप पोस्ट प्रोसेसिंग में उन ग्रेन्स को आप रिमूव कर सकते हैं, इतनी कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, बट एक डिसेंट इमेज ले लेता है। अगर आप बाहर आउटडोर में फ़ोटोग्राफी करते हो, जहाँ पर आपको बेहतर लाइट मिल रही है, तो उसमें ये बहुत अच्छे फ़ोटो ले लेता है। डायनेमिक रेंज इसकी 11 EV है, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप नेचर की फ़ोटोग्राफी करते हो, तो उसमें ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आप फ़ोटो लेके बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में उसकी शेडोज़ को बढ़ा सकते हो, हाईलाइट्स को कम करके काफ़ी अच्छी इमेज आप ले सकते हो गाइस। हाँ, एक और बात, इसमें लाइव व्यू भी है, तो लाइव व्यू में आप ईजली अपने आप को देख सकते हैं। अगर आपको अपनी इमेज कंपोज करनी है इसमें देख के, तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई पुराने मैनुअल फोकस लेंसेज यूज़ करते हो, तो भी लाइव व्यू में उनको आप लगा के अपने ये फोकसिंग रिंग घुमा के मैनुअली फोकस कर सकते हो, तो आपके लिए फोकसिंग करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप लाइव व्यू में इमेज को ऐसे जूम करके प्रिसाइसली फोकस रिंग को घुमा के, जब आपकी इमेज एकदम शार्प हो जाए, उसको आप फोकस कर सकते हो गैस। तो ये चीज़ इस वाले कैमरे में मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। अब नेगेटिव चीज़ों की बात करते हैं इस कैमरे की। तो जब हम बात करते हैं इसमें वीडियो मोड की, तो इसमें आपको वीडियो मोड करने के लिए इसमें यहाँ पे आप जाएंगे, तो ये वीडियो वाला, ये लास्ट में ये वीडियो वाला आपका जो आइकन बना हुआ है, इससे आपकी वीडियो मोड ऑन हो जाता है गैस। अब सबसे बेकार चीज़ वीडियो मोड में ये है कि अब आप देख सकते हैं कि ये जो कैमरा है, इसमें एक छोटा सा स्क्वायर है, जब मैं ये आपको बटन दबाऊंगा तो ये फोकस करेगा, ठीक है। फोकस करने के बाद इस वाले बटन को दबा के अगर मैंने एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी,
उसके बाद मैं फोकस चेंज नहीं कर सकता। अगर मुझे फोकस चेंज करना है तो मेरे को लेंस को मैनुअल फोकस पे स्विच करना पड़ेगा, ये वाला बटन दबा के, AF MF वाला, तो इसको मेरे को मैनुअल फोकस पे करना पड़ेगा। फिर मैं इस वाले फोकस रिंग को घुमा के उसको मैनुअली फोकस कर सकता हूँ। उसके अलावा आप वीडियो में ना तो शटर स्पीड चेंज कर सकते हैं, ना आप एपर्चर चेंज कर सकते हैं, ना आप ISO चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ आप एक्सपोजर कंपनसेशन को चेंज कर सकते हो। तो कैमरा खुद से सब कुछ डिसाइड कर रहा है कि इसको क्या सेटिंग रखनी है। और हाँ, इसकी वीडियो सिर्फ 720p की बनती है, HD वीडियो, फुल HD नहीं बनती। तो आज की तारीख में यार कैमरे के पास कम से कम फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप YouTube पे एक फुल HD की वीडियो बना सकते हो। तो बेसिकली यार ये काइंड ऑफ यूजलेस है। अगर आप वीडियो मेकिंग का काम करते हो तो आपको अगर उसके लिए कोई कैमरा चाहिए तो आप कैनन का 500D ले सकते हो, 550D ले सकते हो, 600D ले सकते हो, या कैनन 1200D या 1300D ले सकते हो, क्योंकि उसमें आप मूवी रिकॉर्डिंग में भी आप सारी चीज़ों को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें आप नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका हूँ कैनन 1100D पे। और इस कैमरे में आप बिल्कुल भी कोई भी आप एक्सपोजर कंपनसेशन के अलावा शटर स्पीड, ISO और आपका एपर्चर कंट्रोल नहीं कर सकते जब आप मूवी रिकॉर्ड कर रहे हो। तो सब कुछ एक्चुअली ऑटोमेटिक है, तो कैमरा सब कुछ खुद कंट्रोल कर रहा है। इवन अगर आप एक बार, जैसे मैं अभी फोकस कर चुका हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, अब मैं कहीं और किसी और जगह पे इसको पॉइंट आउट करूँगा तो आपको सब कुछ आउट ऑफ फोकस दिखाई देगा, क्योंकि एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तो फिर फोकस पॉइंट मूव नहीं होगा, जहाँ वो हो चुका है तो वो रहेगा। तो अगर आपको उसको मूव करना है तो आपको कैमरे को ऑटो फोकस से मैनुअल फोकस में डालना होगा। तो अब मैंने इसको मैनुअल फोकस में डाल दिया है, तो अब आप देख सकते हैं कि मैं फोकस मूव कर पा रहा हूँ लाइव वीडियो के दौरान। और इस वाले कैमरे के अंदर आपका बिल्ट इन माइक इनपुट नहीं है, तो आप अलग से कोई एक्सटर्नल इसमें माइक नहीं लगा सकते। तो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो इस कैमरे के थ्रू है। और आप देख सकते हैं कि वीडियो इतनी भी अच्छी नहीं है, ठीक ठीक है यार, 720p वाली ये वीडियो बनाता है, HD वीडियो, तो फुल HD वीडियो ये रिकॉर्ड नहीं करता। तो अगर आपको वीडियो के लिए कोई कैनन का पुराना कैमरा चाहिए तो आप 500D ले सकते हैं, या 550D या 600D ले सकते हैं, वो इससे काफ़ी बेहतर रहेंगे। ये इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि आप इसमें कुछ भी आप मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते वीडियो मेकिंग के लिए। हाँ, अगर बात करें फोटोग्राफी की तो यार ठीक ठाक है ये। अभी ये सामने खंभा दिख रहा है, ये आपको आउट ऑफ फोकस दिख रहा है, तो मैं मैनुअली इस पर फोकस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस 1855 लेंस के साथ आपको कैसा बैकग्राउंड ब्लर मिलता है। तो अभी ये फोकस में है, तो आप देख सकते हैं कि आपको ठीक ठाक बैकग्राउंड ब्लर मिल जा रहा है। इसके अलावा इसमें मेरे को जो एक और नेगेटिव चीज़ लगी वो ये है कि जब आप इसके ऑटो फोकस पॉइंट को मूव करना चाहते हो तो उनको कोने से साइड में लेके आना वो इतना इजी नहीं है, तो आपको पहले ये वाला बटन दबाना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको इनको व्हील को यूज़ करके तब उनको आपको साइड में या जहाँ मूव करना है वो आपको करना पड़ता है। आपको डायरेक्टली ओवरराइड नहीं मिलता कि आप डायरेक्टली इनको दबा के उनको आप मूव कर सको, तो आपको एक एक्स्ट्रा बटन दबाना पड़ता है, जो कि मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा गाइस। बाकी यार अगर ये कैमरा किन के, अब हम बात करते हैं कि ये कैमरा किन के लिए है। ये कैमरा उनके लिए है जिनको DSLR फोटोग्राफी में आना है, जिनको एक चीप सेकेंड हैंड कैमरा चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप इसको सेकेंड हैंड में लो तो अराउंड ये $80 में मिलता है, जो कि अराउंड बैठेगा 6000 रुपये के आसपास। तो 6 से 7 हज़ार रुपये में आपको ये सेकेंड हैंड में मिल जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यार 8 हज़ार में आपको विद किट लेंस ये मिल जाना चाहिए यार कैमरा। उससे ज़्यादा आप इसके लिए पे मत करना। फोटोग्राफी में आपको आना है, आपका वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है, तो सिर्फ फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा है। और कभी कभार आपको कोई वीडियो बनानी है तो आप यार इसकी फुल ऑटोमेटिक सेटिंग को यूज़ करके बना लेना कोई वीडियो, तो उसके लिए ये ठीक है कैजुअल फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि इसमें आपको यूज़ करना इसका बहुत ईजी है, आप फोटोग्राफी ईजिली सीख सकते हो आप इस वाले कैमरे से। तो क्या ये कैमरा आपको लेना चाहिए 2020 या 2021 में? अगर आपका एम है कि आप YouTube पे वीडियो बनाना चाहते हो फुल HD में, तो आप ये कैमरा नहीं ले, आप वो कैमरे लें जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैनन 500D, 550D, 1200D या 1300D। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो 2021 में भी ये कैमरा काफ़ी अच्छा है लेने के लिए। मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी काफ़ी सारे फ़ोटो जो इस कैमरे से लिए हैं उनको मैं डाल चुका हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये फ़ोटो कैसे ले सकता है, और इसने बहुत बेहतरीन फ़ोटो लिए हैं
अभी भी, और वीडियो जो इस कैमरे से मैंने बनाई है उसको भी मैंने इसमें वीडियो में डाल दिया है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसी वीडियो बनाता है गाइस। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसमें आपकी जो बैटरी है यहाँ से पड़ती है, और आपका जो कार्ड स्लॉट है वो भी इधर से पड़ता है, साइड में नहीं पड़ता, जो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। अगर आपका साइड में यहाँ पे एसडी कार्ड का स्लॉट होता तो थोड़ा बेहतर रहता, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा कैमरा है गैस। अगर सिर्फ फोटोग्राफी करनी है तो आँख बंद करके 2021 में आप ले सकते हो, 6-7 हज़ार में ये कैमरा आ जाएगा और आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आपको करनी है तो आप इस किट लेंस के साथ एक 50 mm का STM वाला लेंस ले लो, या पुराना लेंस ले लो जो आपका 4-5 हज़ार रुपये में आ जाएगा, 50 mm f/1.8 लेंस, वो ले सकते हो। उससे आपको बहुत ही बेहतरीन बैकग्राउंड ब्लर भी मिल जाएगा गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में डालो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो यार, इंस्टाग्राम पर मेरे को आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस।